जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो हकीकत है, वो रियलिटी है। उनके पास जो पहुंचा है उन्होंने उसकी मदद की है, और मैं इस परिवार से को लेकर भी उनसे गुहार लगाऊंगा कि इनकी मदद को वो आ गए हैं। मैं चेहरे में से देख रहे हैं जनाब इनके कि मकान चाहिए हमें भी एक अच्छा, एक आस लगा के बैठे हैं कि हमें भी एक अच्छा मकान होगा, शायद आने वाले समय में इनको भी एक अच्छा मकान मिलेगा। तो सोशल एक्टिविस्ट से भी ये गुहार लगाएंगे हम कि प्लीज आप भी आओ इस गांव में, इनके घर आइए, जो आर्थिक सहायता आपसे हो पाती है, जितनी भी आर्थिक सहायता हो पाती है इनकी करिए, ताकि ये भी लोग अच्छे से अपना जीवन गुजर गुजर सके। हाँ पवन बाहर के बेड़ा गया नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार समाचार और मैं हूँ विनय शर्मा। जी हाँ, आपको एक बार फिर दोबारा एक कहानी के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। कहानी क्या है, हकीकत आपको मैं बयान करने जा रहा हूँ। इस समय हम सियाल जट्टा पंचायत में आए हुए हैं, और सियाल जट्टा में एक परिवार, ऐसा परिवार की बात हमने सुनी थी कि एक परिवार बदहाल कंडीशंस में रह रहा है। उसकी जानकारी में प्रयास एक निदेशा संस्था के प्रधान पवन देव सिंह जी द्वारा बताई गई थी फोनिकली। तो हमने कहा था चलिए क्यों ना हम आएंगे और देखेंगे क्या है, और सरकार तक जब पहुंचाएंगे इस बात को भी। परंतु आज हमने मन बनाया और हमने देखा कि आज हम जाएंगे और वहां पे आपको एक ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे, क्या कि ये ग्राउंड रियलिटी क्या है। योजनाएं हैं, ये नहीं हम कहते कि योजनाएं नहीं है, योजनाएं सरकार की तरफ से बहुत है, परंतु उन योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए क्या उन लोगों को मिल रहा है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी नजर में ये नहीं लाएंगे जनाब, आपको नहीं दिखेगा। शायद डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचेंगे मगर वो पिक्चर नहीं पहुंचेगी। उस पिक्चर को पहुंचाना है आप तक, जो योजनाएं चला रहे हैं वो वहां बैठे हैं, वहां से योजना चल रही है, जब जहां पहुंचती है वो योजनाएं कागज में क्यों रह जाती है, ये एक सवाल या निशान है। पवन जी से ही बात करेंगे, क्योंकि जो भी पवन जी, पहले तो आपका रफ्तार समाचार में स्वागत है। आप हर बार हमें कहीं ना कोई जगह में लेके आते हैं, और आज भी एक ऐसे परिवार से मिलाया है, किस क्या हो रहा है। विनय जी, सबसे पहले आपका और आफ्ताब भाई का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस परिवार के लिए। मैं बड़े दिनों से आपसे टच में था, ये बार बार मेरे पास आ रहे थे, या आपने बोला था मीडिया में स्टोरी करवानी है, मीडिया में स्टोरी करवानी है। तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मजबूर समझ रहा था कि अगर इस परिवार की मदद नहीं हो पाए तो धिक्कार है हमारे जीने पर। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि मैंने जहां जहां आवाज उठाई है, जरूर जिस जिस परिवार को लेकर मैंने आवाज उठाई है उस परिवार का जरूर 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 20% उसका काम जरूर हुआ है। और फिर ये लोग तो मेरे अपने हैं। शायद विनय जी आपको याद होगा, हमने मानसर पंचायत की एक बुजुर्ग का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके सरपंच ने मुझे बताया है आके कि पवन जी हमने उनका PMAY का मकान बनवा दिया है। हमें खुशी होती है जब कुछ सरपंच अपनी जिम्मेवारी उठाते हैं और इन गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमूमन बहुत सारी पंचायतें हैं मैंने वहां ऐसा नहीं देखा है। आप इनकी पूरी कंडीशन आपने देखी है, पूरी हकीकत आपने देखी है, तो क्या प्रशासन को नहीं आना चाहिए यहां पर? बैक टू विलेज एक हुआ, दो भी चला, तीन भी चला, अभी बैक टू विलेज चार जो है अभी जस्ट खत्म हुआ है। और जो भी ऑफिसर्स पंचायतों में आए उनको हिदायत थी गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि आप पूरा दो दिन पंचायतों में रहेंगे और लोगों से मिलेंगे। क्या उन ऑफिसर्स का फर्ज नहीं बनता था ऐसे गरीब लोगों तक आना?
चलो यहां मैं मानता हूं कि शायद उन्हें इन चीजों का पता नहीं था, लेकिन क्या जो इलाकों के सरपंच, जो इलाकों के सरपंच हैं, क्या उनका फर्ज नहीं था उन ऑफिसर्स को ऐसी हकीकत दिखाना? क्या उनका फर्ज नहीं था? पंचायतों की बात छोड़िए, अब हमें ये बताइए कि क्या आने वाले समय में आप इनको पक्का घर बना के पीएमए में डलवा के देंगे? अगर नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े होते हैं, जहाँ प्रवक्ता आम रसूखदारों से नहीं जुड़े होते हैं, तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। पवन जी, बहुत बार देखा हमने, ये एक नई स्टोरी नहीं है, ऐसे हमने कई पंचायतों में देखा गया है, कोई ना कोई ऐसा परिवार है जो योजनाओं से पीछे छूट जाता है हर बार, फिर कोई ना कोई एक मसीहा बन के आगे आता है, फिर वो आवाज उठाता है, फिर कहीं जाके चारा नियम कहते हैं थोड़ा बहुत चलो उसका सहारा सा बन जाता है। और आज भी शायद आप एक स्टोरी देख रहे हैं, ये स्टोरी नहीं है, ये सच्ची बयान कथा है यार। अब मैं आपको पहली बाहर की पिक्चर दिया, देखो खुले आसमान के तले इंसान रोटी बना रहा है, और हम एक आप बोलते हैं कि स्वच्छ तरीके से रोटी बनानी है, भाई स्वच्छ कैसे हो सकती है? कहीं धूल हवा आएगी उड़ेगी, और आग पर ये लकड़ियां जलाकर, आज तो कई योजना है जनाब, लकड़ियां कौन जला रहा है, कौन सा वक्त कौन सा समय है या लकड़ियां जल रही हैं? सोचना चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, मंथन होना चाहिए, सिर्फ ये मीटिंगों पर नहीं होना चाहिए। क्या आप मीटिंगें करोगे तो मीटिंगों में फिर मैं वही बात आ गई कि कागजों पर शायद हो सकता है ये भी घर बन गया हो, ये नियम कह सकते हैं, या ये घर कैसे छूट गया हो ये नियम कह सकते हैं, किस वजह से छूट गया ये नहीं कह सकते हैं। चलिए प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे परिवारों को प्रायोरिटी तौर पर ले, अगर भले ही इनका इस लिस्ट में नंबर ना हो, दूसरी लिस्ट में नंबर ना हो, तीसरे में आए, परंतु प्रशासन को चाहिए यार थोड़ा बहुत उनके लिए करो, एक तिरपाल ही दे दो कम से कम, छोटी सी तिरपाल दोगे ये अपने तिरपाल में भी गुजारा कर लेंगे, मदद करें आप। अगर आपके एक छोटे कंबल देने से अगर इनकी रात अच्छे से कट जाए जनाब, तो क्या बात है, खुद भी अच्छे से सो, इनको भी अच्छे से सो रहा हो, ये होना चाहिए इंसान का। चलिए जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, पहले हम उनसे भी जानेंगे, क्या नाम जनाब का? पुरुषोत्तम लाल। पुरुषोत्तम जी, एक कहूँ ये नहीं यार, रोने दो सर, थोड़ी देर दी है, कितनी देर हुई है? और गंडा जा, हाँ अच्छा गंडा चार भी में जाए, चार ना फुलका खाना चाहिए, चाय बनाई आया जा रही, अच्छा चाय भी पीती, अच्छा हाँ, और क्या ना सब्जी सब्जी कैसे कैसे आंधी जी जी, अच्छा इन्हें आनी, हाँ अच्छा गंडा बनाए भी खाना बनाए, हाँ खाली ये शैल है, ये शैल है इना है, हाँ। तेरा नहीं है, अच्छा तेरा ये मकान है, है। अच्छा अच्छा हमने इनसे कुछ सवाल किए, शायद आपको भी समझ आ गए होंगे कि 12-1 बज रहा है, अभी चाय बन रही है खुले आसमान के तले, वो चाय पीनी है और एक आध फुल्का खाना है, तो वो चलता है घर का सिस्टम। जब घर की बात कही, पूछा हमने कि अच्छा मकान चाहिए, तो उन्होंने आपको देखा कि दीवारों को हाथ लगाया है कि जी अच्छा है, ये भी जानती है सर जी अच्छा है और जी अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी अपने घर की तारीफ की है उन्होंने, मैं खुश हूं इससे। अब आप आगे का एक कदम बढ़ाएंगे तो इनको अच्छी नींद आ सकती है, एक अच्छा घर देंगे आप, एक उम्मीद रखी है उन्होंने कि हमें एक अच्छा घर बने, ये मेहनत करके आप घर नहीं बना सकते हैं, आपने इनकी परिवार की कंडीशन टाइम पास कर रहे हैं आगे पीछे से, पर कभी यार दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से नसीब हो रही है। मैं दिशा कमेटी का मेंबर भी हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी हमारी मंत्री जी से मीटिंग होती है
तो इस परिवार के लिए मैं जरूर उनसे लड़ूंगा, ये मैं आपको यहां पे श्योर कर देता हूं। और मैं, मुझे सरपंचों का नहीं पता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि वो हकीकत मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और तब तक कोशिश करूंगा इस परिवार को मकान बनाने के लिए। और उन्होंने डीडीसी चेयरमैन जनाब लाल चंद जी से भी के बारे में भी बताया, क्योंकि वो बहुत अच्छे और नेक इंसान है, लिहाज नहीं लौटता है, और हर गरीब को वो उस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए खुद सामने आते हैं और खुद डिपार्टमेंट के उस अधिकारी से बात करते हैं जिस अधिकारी के पास ये योजनाएं होती हैं, जिन्होंने मात्र एक सिग्नेचर से और अपने छोटे से ड्राफ्ट से उस योजना का लाभ इन तक पहुंचाना है। जनाब ये भी घर बनना चाहिए, ये आप तक ये गुहार लगाई गई है और हम आशा करेंगे कि इस गुहार को आप पूरा करेंगे। जी हाँ, इसी के साथ आप मुझे देंगे अगर आप देखते हैं रफ्तार समाचार।